जमात छेवीं पाठ पंद्रवा तीन इनकलाबी शहीद भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव। प्यारे बच्चो तुसी जान दियो ए कौन ने? हां जी मैडम जी, भगत सिंह। बिलकुल सही। पर मैडम जी ए फोटो दे नाल होर किदियां किदियां फोटोआं ने? ए ने शहीद राजगुरु ते शहीद सुखदेव। मैडम जी ए भी भगत सिंह वांग देश लई लड़े सन? हां बच्चो इन्हां ने भी देश लई कुर्बानी दित्ती है। आओ अज आपां उन्हां बारे जानिए। सरदार भगत सिंह ते सुखदेव दा जन्म इको ही सन 1907 ईस्वी विच होया। राजगुरु दा जन्म 1908 ईस्वी विच होया। सरदार भगत सिंह दा जन्म माता विद्यावती ते पिता सरदार किशन सिंह दे घर चक नंबर 105 जिला लायलपुर जो के हुन पाकिस्तान विच है विच होया। सुखदेव दा जन्म माता रली देवी ते पिता लाला राम लाल थापर दे घर लुधियाने विच होया। राजगुरु दा जन्म माता पार्वती बाई पिता श्री नारायण हरी राजगुरु दे घर पिंड खेड़ा जिला पूना महाराष्ट्र विच होया। राजगुरु दा पूरा नाम शिव राम हरी राजगुरु सी। उन्ना दिना विच सरदार भगत सिंह ते चाचा जी सरदार अजीत सिंह ते लाला लाजपत राय ने पगड़ी संभाल लहर चलाई। इस लहर दा मनोरथ अंग्रेजी सरकार दियां गलत नीतियां विरुद्ध लोकां नूं जागरूक करना सी। इस लहर दा मुख टिकाणा सुखदेव दे ताया लाला चिंतराम दी दुकान सी। सरदार भगत सिंह अपने दादा जी सरदार अर्जुन सिंह नाल इस दुकान ते अक्सर आया करदे सी। वड्डियां दी सांस सदका सरदार भगत सिंह ते सुखदेव दी बचपन तो ही दोस्ती हो गई। जवानी विच पैर धरदियां ही सरदार भगत सिंह ते सुखदेव ने आजादी दे क्रांतिकारियां नाल संबंध बनाने शुरू कर दित्ते। फिर ओ इनकलाबी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी लई कम करन लगे। उधर राजगुरु भी इस पार्टी दे काम विच उन्हां नाल आ शामिल होया। इन्हां तिन्हां दोस्तां विच देश भगती देश लई मर मिटन दा जज्बा कुट कुट के भरिया होया सी। उन्हां दिनां विच जदों लाला लाजपत राय लाहौर विखे साइमन कमिशन गो बैक दी अगवाही कर रहे सन तां एसएसपी स्कॉट दे हुकम ते जलूस उपर लाठी चार्ज कीता गया ते लाठी लाला जी दे सिर ते वजी जो कि लाला जी दी मौत दा कारण बनी। तिन्हां दोस्तां ने लाला लाजपत राय दी मौत दे मुख दोषी एसएसपी स्कॉट तों बदला लैण दा फैसला कीता। बदला लैण लई सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद ते जय गोपाल स्कॉट दे दफ्तर कोल पहुंच गए। पर जदों स्कॉट दी थां ते सांडरस मोटरसाइकल उत्ते बाहर निकलिया ता राजगुरु ते सरदार भगत सिंह ने उसनों ही गोलियां दा निशाना बना दिता क्योंकि ओ भी लाठी चार्ज करवाउन दा दोषी सी। इस कतल पिछे उन्हां दा मकसद सिर्फ खून दा बदला खून ही नहीं सी सगों जनता दे डिग रहे मनोबल नूं उच्चा चुकना सी तां जो ओ जुल्म खिलाफ अपनी आवाज
उच्ची चुक सकन ते नाल ही ओ अंग्रेजा नू ए भी दसना चाहते सन के हिंदुस्तान दे नौजवान हुन चुप करके जुलम नहीं सहणगे ते ना ही सुते रहणगे। लाहौर साजिश केस अनुसार सरदार भगत सिंह सुखदेव ते राजगुरु नू मौत दी सजा सुनाई गई। इस खबर नाल सारे देश विच हाहाकार मच गई। इन्ना महान योद्धा ने उस समय दे गवर्नर नू लिखिया कि उन्ना नू जंगी कैदी मनदियां फांसी ना दित्ती जावे सगों गोलियां नाल उड़ाया जावे। अंग्रेजी हकूमत ने अपने कानून नू छिक्के टंग के फांसी दी मिथी तरीक तो एक रात पहला ही 23 मार्च 1931 नू ही फांसी देन दा मनसूबा बना लिया। ए तीन महान सूरवीर दोस्त इनकलाब जिंदाबाद साम्राज मुर्दाबाद दे नारे लौंदे हुए खुशी खुशी फांसी दे रस्सिया नू चुम के शहीदी प्राप्त कर गए। फांसी तो कुछ दिन पहला सरदार भगत सिंह ने एक सवाल दे जवाब विच कहा सी कि जदों हिंदुस्तानी लुट कसुट बेइंसाफी जात पात ना बराबरी अंधविश्वास ते होर समाजिक बुराइयां तों मुक्त होके आजादी दा आनंद मानन लग पैणगे तां असीं समझांगे कि साडी छोटी जी जिंदगी दा मुल पै गया ते साडे सुपने साकार हो गए। इस तरह ए तीनों सूरबीर छोटियां उमरां विच वड्डा काम कर गए। सानू सारियां नू उन्हां दियां कुर्बानियां अगे सिर चुकाउणा चाहिदा है।